नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों मैं इस फ्लोर को पूरी तरह से कंप्लीट लगा चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं इसमें ब्लैक कलर का बॉर्डर भी दिया और स्कर्टिंग भी ब्लैक कलर का है इसका। लेकिन अभी मैं इसमें जो काम करूँगा वो क्या है कि इसका गंदगी को साफ करूँगा। इसके सभी जॉइंट में पूरे गंदे भरे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये सारे टाइल्स भी गंदा है, मैं इसको भी वॉशिंग करूँगा और उसके बाद मैं इसके जॉइंट को भरूँगा। तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से मैं इसको साफ करूँगा, और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बाज़ार से एसिड ले आया हूँ जो कि किसी भी दुकान में आसानी से उपलब्ध रहता है। ये तकरीबन 50 रुपये का एक लीटर मिलता है, आपके यहाँ किस हिसाब से मिलता है आप लोग पता कर सकते हैं बाज़ार में। और मैं इसके थ्रू जो भी इसमें टाइल्स में गंदा है सारा गंदा निकल जाएगा, जॉइंट्स का जो भी ये गंदगी दिख रहा है ये सारे गंदगी निकल जाएगा। और उसके बाद मैं इसमें ग्रॉटिंग पाउडर जो केमिकल होता है उसे इसके जॉइंट को भरूंगा। तो पूरी वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस बाल्टी में थोड़ा पानी लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 1.5 लीटर के आसपास पानी है। और मैं इसमें ये वाला एसिड 1 लीटर डाल दूंगा। अब यहाँ देख सकते हैं किस तरह से इसका रिएक्शन कर रहा है, जो भी इसमें जॉइंट में गंदगी होगा सारा निकल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से एसिड को पूरे फ्लोर में फैला लेना है आपको। एसिड पूरे फैलने के दरमियान ही बहुत सारा गंदगी को निकाल देता है। दोस्तों अगर कहीं जिद्दी दाग है तो उससे हल्का हल्का ऐसे रगड़ना पड़ता है, बाकी बस जिद्दी दाग निकल जाता है। तो फाइनली दोस्तों ये पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से इसको साफ़ किया, कितना गंदा था और अभी किस तरह है। तो अगर आपके यहाँ भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है टाइल्स वगैरह में कुछ गंदा है इस तरह का काम करने के बाद, तो आप आसानी से उसे एसिड से वॉश कर सकते हैं। और उसको वॉश करने के दरमियान जो भी जॉइंट में कचरा वगैरह होगा सब निकल जाएगा। तो वॉश करने के उपरान्त आपको ज़रूर से ज़रूर उसमें ग्रॉटिंग करवाना चाहिए। तो अभी ये पूरा तरह से क्लीन हो चुका है, अब सूखने के बाद इसमें मैं ग्रोटिंग करूँगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी वीडियो में। और अगर आपको टाइल्स मार्बल रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।